हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुमित व्लॉग 27। तो आज आ जाते हैं, जो आप की देख रहे हैं ये बिलोंग करती है प्रीमियम एसयूवी कार किया सेल्टॉस को, और ये 2024 का आप इसका एचटीके प्लस वेरिएंट देख रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके, पूरा इसे एक्सप्लोर करेंगे और पूरी डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है ये कार का। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। जैसे ही आप गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो आपको किया सेल्टॉस 2024 का जो एचटीके प्लस का कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा, जहाँ ये गाड़ी का आपको जो है सेकेंड बेस वेरियंट देख रहे हैं पेट्रोल में। तो अगर गाड़ी के जो है फ्रंट की लाइट्स की बात करें, तो इसमें आपको कुछ ऐसी लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर वगैरह हाइलोजन में देखने को मिल जाएंगे, और इसी साइड की तरफ भी आपको डीआरएल देखने को मिल जाएंगे कार में। और गाड़ी की जो है फ्रंट ग्रिल की बात की जाए, तो इसमें आपको टाइगर नॉज ग्रिल देखने को मिल जाएगी, जिसके आपको सराउंडिंग आपको ग्रे ट्रीटमेंट का जूस देखने को मिल जाएगा कार में। और गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई की बात करें, तो इसमें आपको 1800 mm गाड़ी की चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। अगर गाड़ी के जो है नीचे लोअर बम्पर की बात करें, तो इसमें आपको जो है इंजन गार्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा, और नीचे की लोअर गेट आपको जो है ग्रे फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है फॉग लैंप वगैरह देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ। गाड़ी के ओवरऑल चौड़ाई की बात करें, तो इसमें आपको 1800 mm गाड़ी की चौड़ाई देखने को मिल जाएगी, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 190 mm गाड़ी का। इसमें आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, और आपको साइड प्रोफाइल चेकआउट करवाते हैं किया सेल्टॉस की। तो साइड से देखने पर ओवरऑल कार आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करेगी, जहाँ पे आपको जो है बॉडी कलर्ड गेट ओपनर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे इस कार में। यहाँ पे आपको जो है ऊपर की तरफ रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फुल्ली ओआरवीएम देखने को मिल जाएंगे। अगर गाड़ी के व्हील्स की बात करें, तो इसमें आपको जो है फ्रंट में जो है 17 इंचज के व्हील देखने को मिलेंगे, और ऑल फोर डिस्क ब्रेक का फीचर मिलेगा आपको इस गाड़ी के साथ में। आपको पीछे से एकदम आगे से पीछे तक की पूरी जो है साइड क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी कार में। तो अभी चलते हैं जो है गाड़ी के ओवरऑल जो है लेंथ की बात करें, तो इसमें आपको 4365 mm गाड़ी की लेंथ देखने को मिल जाएगी किया सेल्टॉस की। तो अभी चलते हैं गाड़ी के जो है पीछे की तरफ, और आपको रेयर लुक चेकआउट करवाते हैं इस गाड़ी का। गाड़ी की जो है रेयर प्रोफाइल की बात करें, तो पीछे से कुछ ऐसा लुक ऑफर करेगी आपको जो है किया सेल्टॉस, जहाँ पे ऊपर की तरफ आपको जो है सार्फिनस एंटीना वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप वगैरह देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। यहाँ पे आपको जो पूरा डिफॉगर रेयर वाइपर वगैरह देखने को मिल जाएंगे कार में। सेंटर पे किया की बैजिंग देखने को मिल जाएगी आपको, और नीचे की तरफ आपको सेल्टॉस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको जो है रिफ्लेक्टर और रेयर पार्किंग लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ भी आपको जो है ग्रे फिनिश में जो है इसका लोअर बम्पर देखने को मिलेगा, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, और आपको चेकआउट करवाते हैं किया सेल्टॉस का बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको जो है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो अभी करते हैं इसे जो है, तो कुछ ऐसा आपको इसमें गाड़ी में बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बूट लैंप वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, तो इसमें आपको 433 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है पीछे से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा अंदर केबिन का। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इसका टायर वगैरह टूल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसका जो है नॉर्मल टायर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसके टो हुक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। तो यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं बंद, और आपको लेके चलते हैं गाड़ी के जो है। तो अगर गाड़ी के जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें, तो इसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी कार की। तो अभी चलते हैं गाड़ी की जो है सेकेंड रो की तरफ, और आपको चेकआउट करवाते हैं गाड़ी का पूरा इंटीरियर। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो जैसे ही आप जो है इसके गाड़ी के जो है डोर को देखें, तो जैसा हमें थीम देखने को मिले ऑल ब्लैक पैटर्न है। यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश के साथ इसके गेट ओपनर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको जो है कर्टन वगैरह का जो फीचर देखने को मिल जाएगा, जो है सेकंड बेस वेरियंट से ही। यहाँ पे आपको जो है पूरा ये गाड़ी का जो है पावर विंडो के कंट्रोल है। यहाँ पे आपको जो है 4 स्पीकर मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और अंदर का कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा आपको कार का, जहाँ पे आपको जो है फिक्स्ड एड्रेस देखने को मिलेंगे गाड़ी में। और तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और आपको चेकआउट करवाते हैं गाड़ी की पूरी स्पेस वगैरह। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, और मेरी हाइट जो है 5 फीट 4 इंचज़ है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा स्पेस है। ये फ़िलहाल सीट शायद आगे की तरफ है, और यहाँ पे आपको दो रेयर एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे, दो टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, थोड़ी स्पेस देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। और यहाँ पे आपको जो है पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी पूरी कार में। तो ये यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे भी लाइट देखने को मिल जाएगी आपको एलईडी में। तो ये कुछ ऐसा इसका क्वार्टर ग्लास है पीछे की तरफ। तो
अभी चलते हैं जो है पीछे से आपको गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखेगा, तो अभी चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ और आपको सारे फीचर वगैरह एक्सप्लोर करवाते हैं किया सेल्टॉस एचटीके प्लस के। तो चलिए चलते हैं अभी गाड़ी के आगे की तरफ, तो इसे करते हैं बंद। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा गाड़ी का। तो आप जैसे ही जो है ड्राइवर साइड डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसे थीम दिखेगी, जहाँ पे आपको जो है ऑल फोर जो है पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसा ग्रैब हैंडल, ये ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और जो है ग्रैब फिन्स के साथ इसमें आपको डोर अनलॉक करने के लिए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, नीचे जो है बॉटल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है सीट में जो है हाइट और रिक्लाइंट दोनों ही एडजस्टेबल सीट मतलब ऑप्शन मिलेंगे गाड़ी में। और नीचे की तरफ आपको इसके ABS पैडल वगैरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्यूल लेट ओपनर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आगे का जो है हुड ओपन करने के लिए देखने को मिल जाएगा। तो अभी बैठते हैं। यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्शन ऑन ऑफ का देखने को मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप देखने को मिलेगा, हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको चेकआउट करवाते हैं सारे फीचर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा इंटीरियर का। तो अभी गेट को करते हैं यहाँ से बंद, तो यहाँ अभी इसको करते हैं बंद। तो गाड़ी के जो अगर स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो सबसे पहले हम इससे इंजन स्टार्ट स्टॉप को करते हैं प्रेस, और आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा कार का मीटर कंसोल का। यहाँ पे आपको 10.25 इंचज़ के जो है इसका जो है डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक तरफ जो है स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, एक तरफ RPM मीटर देखने को मिल जाएगा, और सेंटर में जो है आपको जो है काफ़ी सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ आपको जो है फ्यूल लेवल देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ व्हीकल टेम्परेचर वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पीछे वाले जो है पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप एक तरफ जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह मीटर में चेंज करके देख सकते हैं। ये पूरा आपको जो है मीटर कंसोल के जो है पूरे कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। एक तरफ आपको इसमें जो है मीडिया के जो है कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा इसमें आपको जो है स्क्रीन देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको दो एसी वेंट देखने को मिलेंगे कार में, और ये आप कुछ ऐसा FM वगैरह ब्लूटूथ वगैरह सभी चीज़ें आपको दिखाएगा, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह एप्पल कारप्ले वगैरह सभी को सपोर्ट करता है ये। तो ये कुछ इसका पूरा ऑप्शन वगैरह है, फ़ोन वगैरह जो है साउंड मोड लैंप वगैरह मीडिया वगैरह रेडियो वगैरह DRBM वगैरह वॉइस मेमो वगैरह सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का जो है सॉकेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा गाड़ी में। अगर गाड़ी के जो है यहाँ पे अगर इसका टॉप मॉडल होता तो यहाँ पे आपको जो है पूरा मतलब वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी स्टोरेज के लिए आर्मरेस्ट के नीचे जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नॉर्मल मैनुअली जो है डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा गाड़ी का, और यहाँ पे आपको जो है LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, और यहाँ पे आपको जो है को पैसेंजर साइड जो है मिरर वगैरह देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। यहाँ पे आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी गाड़ी में, कुछ ऐसी खुलती है जो कि, तो कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा गाड़ी में। तो अभी बात करते हैं जो है गाड़ी के जो है ग्लव बॉक्स की। तो कुछ ऐसा डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा आपको गाड़ी में, और यहाँ पे आपको जो है पूरा कुछ ऐसा AC वेंट के सराउंडिंग कुछ ऐसी जो है आपको जो है सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको एक तरफ जो है वाइपर वगैरह के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और एक तरफ जो है आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। तो अभी चलते हैं गाड़ी के जो है बाहर की तरफ और आपको इसका जो है इंजन वगैरह चेकआउट करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ। तो यहाँ से इसको करते हैं बंद। तो अगर गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का जो है, तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 BHP की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर गाड़ी के जो है माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 17 KMPL की माइलेज देखने को मिल जाएगी। अगर इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी हम खड़े हुए जो है
बालाजी की या तेलीबाग लखनऊ में। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस गाड़ी के यहाँ पे एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 14,06,000 रुपये है एस टी के प्लस वेरियंट की, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 16,24,000 रुपये ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी जुलाई 2024 में एच टी के प्लस किया सेल्टॉस की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन आपका, वहां से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ।